दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब दुर्योधन ने वारणाव्रत में कुंती समेत पांचों पांडव भाइयों को एक लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा था, तब विदुर जी के सहयोग से पांचों भाई अपनी मां कुंती के साथ एक सुरंग बनाकर वहां से बचकर बाहर निकल गए थे। परंतु लाक्षागृह के जलकर राख हो जाने के कारण सब लोग यही समझते थे कि पांचों पांडव भाई अपनी मां कुंती के साथ उस लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए। दोस्तों, उस समय विदुर जी के ही कहने पर ब्राह्मणों के भेष में एक साल तक एक नगर से दूसरे नगर भटकते रहे थे और ब्राह्मणों की तरह ही भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते रहे। वो पांचों पांडव भाई दिन भर में जितने भी भिक्षा मांगकर लाते थे वो सब अपनी माँ कुंती के सामने रख देते थे। फिर कुंती उस सारी भिक्षा को अपने बेटों में उनकी भूख के अनुसार बांट दिया करती थी। इसी तरह घूमते फिरते वह सारे पांडव भाई एक साल पूरा होने पर राजा द्रुपद के देश पंचाल जा पहुंचे, तो वहां उन्हें पता चला कि राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। तब सभी पांडवों को याद आया कि उनके पितामह महर्षि व्यास ने कुछ महीने पहले ही उनसे कहा था कि द्रौपदी तुम्हारी ही पत्नी बनेगी। यह बात याद आते ही पांचों पांडव भाई अपने ब्राह्मण भेष में ही द्रौपदी के उस स्वयंवर में जा पहुंचे, जहां पहले से ही बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं के साथ दुर्योधन, कर्ण, भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी मौजूद थे। वहां जब कोई भी राजा और योद्धा स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर पाया, तब ब्राह्मण भेष धारण किए हुए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी करने की इजाजत मांगी। राजा द्रुपद जो बहुत निराश हो गए थे, उन्होंने उस ब्राह्मण को इजाजत दे दी। तब अर्जुन ने स्वयंवर की उस शर्त को पूरा कर दिया और द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। इससे वहां उपस्थित सभी क्षत्रिय राजाओं ने इसे अपना अपमान समझा और द्रौपदी को उस ब्राह्मण से छीन लेने के लिए अर्जुन पर टूट पड़े। तब उन सभी राजाओं का भीम और अर्जुन के साथ भीषण युद्ध शुरू हो गया। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में युद्ध कर रहे अर्जुन और भीम को पहचान लिया और अपने प्रयास से उस युद्ध को शांत करवा दिया। इसके बाद भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आते हैं और घर के दरवाजे पर ही खड़े होकर कुंती से कहते हैं, माँ देखो आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। परंतु कुंती ने बगैर देखे ही यह कह दिया कि पांचों भाई मिलकर उस भिक्षा का उपभोग करो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कुंती समेत पांचों पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी थे और अपनी माँ के मुंह से निकली हुई हर बात को उनके आदेश की तरह पालन करना अपना धर्म समझते थे। इस कारण अपनी माँ के मुंह से निकले इन शब्दों को लेकर सभी भाई चिंतित हो गए। कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ भी ना हो और मेरी बात भी झूठी ना हो। परंतु जब इस बात का कोई रास्ता नहीं निकला तो इस बात से राजा द्रुपद भी परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि धर्म के विपरीत किसी भी स्त्री की पांच पति की बात तो सोची ही नहीं जा सकती। तब महर्षि व्यास जी राजा द्रुपद को बताते हैं कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में शंकर जी की तपस्या करके उनसे वर मांगते हुए इस बात को पांच बार कहा था कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। तब शंकर जी ने द्रौपदी से कहा था कि तुझे अगले जन्म में पांच भरतवंशी पति रूप में प्राप्त होंगे। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण ही हम सभी के सामने ये समस्या खड़ी हुई है। भला भगवान शिव की कही हुई बात अन्यथा कैसे हो सकती है? भूत, वर्तमान और भविष्य की ज्ञाता महर्षि व्यास की ये बात सुनकर महाराज द्रुपद भी अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, द्रौपदी का सबसे पहले विवाह पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ रात में सुहाग रात मनाई। फिर अगले दिन भीम के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ था और उस रात भीम ने द्रौपदी के साथ सुहाग रात मनाई थी। फिर ऐसे ही एक एक दिन छोड़कर अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ था और इन तीनों ने भी द्रौपदी के साथ एक एक रात व्यतीत की थी। दोस्तों, इस विवाह में जो सबसे कमाल की बात हुई थी, अब मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। वो यह है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में
एक बहुत बड़े महर्षि की पुत्री थी और शिवजी के वरदान से उसका विवाह अगले जन्म में 5 भरत वंशियों से होगा, यह बात सभी देवता जानते थे। परंतु इसके साथ ही भगवान शिव ने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी, यानी प्रतिदिन द्रौपदी नहाने के बाद वर्जिन हो जाया करती थी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी।